वेलकम टू हेल्पलाइन। आज है 12 फरवरी 2020 और 12 फरवरी 2020 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा साथ ही साथ उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें एवं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये पहले बार 2016 में मनाया गया था, लेकिन इस बार की थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस बार की थीम है इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। क्या है इस बार की थीम? इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायलटों ने किस देश में देश के पहले मानव चालित मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण किया है? तो पायलटों ने रूस में देश के पहले मानव चालित मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण किया है। तो अब यहाँ पर पायलट नहीं है, ये IAF पायलट होगा, यानी कि इंडियन एयरफोर्स पायलट ने, इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलटों ने देश के पहले मानव चालित मिशन का गगनयान का परीक्षण किया है रूस में। अब ऑप्शन में है रूस, रूस की कैपिटल क्या हो जाएगी? मॉस्को। एंड ये मॉस्को में किया गया है एंड रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन एंड रूस की करेंसी है रशियन रूबल। यह 10 फरवरी को किया गया है। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीजी पावर ने कंपनी के भारतीय परिचालन के लिए कितने स्वतंत्र निदेशक शामिल किए हैं? तो सीजी पावर ने एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन ने कंपनी के भारतीय परिचालन के लिए 3 स्वतंत्र निदेशक शामिल किए हैं। कितने किए हैं? 3 स्वतंत्र निदेशक, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 3 स्वतंत्र निदेशक शामिल किए हैं तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा प्रदीप माथुर एंड दूसरे हैं रतिन रॉय एंड तीसरे हैं अदिति राज। क्या नाम है तीनों का? प्रदीप माथुर, रतिन रॉय एंड अदिति राज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुलेला गोपीचंद को सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा अवार्ड दिया जाता है एंड इन्हें, यानी कि पुलेला गोपीचंद को, कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंजी एक्सपो 2020 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड यह एक मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी है। क्या है यह? मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी। एंड यह गुजरात के वडोदरा में किया जाएगा इसका आयोजन, गुजरात के वडोदरा में। अब ऑप्शन में है गुजरात, गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो गुजरात की कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर। क्या हो जाएगी गुजरात की कैपिटल? गांधीनगर। एंड गुजरात के गवर्नर कौन है? तो गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DPI बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? DPI बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो पहले है DPI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो DPI की फुल फॉर्म हो जाएगी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। क्या हो जाएगी? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। एंड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाने की घोषणा RBI के द्वारा की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट जवाब।
अब है आरबीआई, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आरबीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, कब हुई थी 1935 में। एंड आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, कहाँ है मुंबई में है आरबीआई का हेडक्वार्टर। एंड आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, कौन है शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है, तो राजस्थान राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सवाल ये उठता है यह क्यों किया गया है, तो यह इसलिए किया गया है क्योंकि राज्य में ट्रांसजेंडरों की संख्या है 1,00,000 लेकिन जनगणना के अनुसार है 16,517, इसलिए यह अलग से पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की गई है। तो अब ऑप्शन में है राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, क्या है जयपुर है राजस्थान की कैपिटल। एंड गवर्नर है राजस्थान के कलराज मिश्रा, कौन है कलराज मिश्रा है राजस्थान के गवर्नर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने पहला दिशा पुलिस स्टेशन लॉन्च किया है, क्या किया है दिशा पुलिस स्टेशन लॉन्च, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट जवाब। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 8 फरवरी को राज महेंद्रवरम में पहला दिशा पुलिस स्टेशन लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एंड आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद। एंड यह अब क्यों किया गया, यह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को संबोधित करेगा एंड इसीलिए यह महिलाओं एंड बच्चों के लिए किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के प्रयासों के समर्थन के लिए $2 मिलियन की मंजूरी दी है, तो ADB ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के प्रयासों के समर्थन के लिए $2 मिलियन की मंजूरी दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। तो अब ADB की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ADB की फुल फॉर्म हो जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या हो जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड ADB की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, कब हुई थी 1966 में। एंड इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, कहाँ है फिलीपींस में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है, तो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप आदित्य मेहता ने जीती है, किसने जीती है आदित्य मेहता ने। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य मेहता ने कई बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को 6-2 से हरा कर, कितने से 6-2 से हरा कर यह राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है 11 फरवरी को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती को मनाने के लिए, किसकी जयंती को हकीम अजमल खान की जयंती को मनाने के लिए हर वर्ष 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ एंड करते हैं हमारा आज का ये सेशन, एंड अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू आवर चैनल। थैंक यू।